आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। 20 वर्ष बाद मिली माँ, फिर हुई परिवार से दूर, बिस्थान पुलिस ने की मदद। मंद बुद्धि महिला को परिवार से दोबारा मिलाया, फिर लौटी खुशियाँ। झरनिया क्षेत्र की समीपस्थ ग्राम पंचायत नानकोड़ी की 55 वर्ष की मंद बुद्धि महिला को परिजनों से मिलाने में थाना बिस्थान के स्टाफ ने की मदद, जिसके बाद परिवार में झलके खुशी के आंसू। खुशी खुशी परिजन महिला को बिस्थान थाने से अपने गांव नानकोड़ी लेकर पहुंचे। जब संवाददाता द्वारा परिजन लखन पटेल और गुलाब सिंह से इस बारे में चर्चा की तो अलग ही किस्सा सामने आया। परिजनों ने बताया कि हमारी भाभी बेवा धनुबाई पति रतन 55 जाति भील निवासी ननकोड़ी की है। घटना लगभग 22 वर्ष पहले की है, जब धनुबाई का देवर गुलाब सिंह बारे इंदौर रहता था। गुलाब सिंह के पास मिलने इंदौर धनुबाई के सास ससुर अपने घर नानकोड़ी से सुबह 6 बजे बालाजी बस से इंदौर के लिए रवाना हुए। धनुबाई मंदबुद्धि की होने से 2 घंटे बाद भी इंदौर के लिए अन्य बस में बैठकर रवाना हो गई, जिसका लगभग 21 वर्षों तक कई जगहों पर उसे ढूंढा, कहीं पता नहीं चला। धनुबाई के 2 लड़के और 1 लड़की भी है जो कि हमारे साथ रहते हैं। वर्षों तक ढूंढने के बाद भी नहीं मिलने से परिजनों ने आस छोड़ दी। फिर अचानक समय ने अपनी करवट बदली और लगभग 1 वर्ष पहले धनुबाई बिस्थान में नजर आई, जिसे हम घर लेकर आए। फिर इंदौर बड़े लड़के मदन के पास रहने लगी। मदन की ससुराल बिस्थान के पास ग्राम बैनर की है, जहां मदन की पत्नी डिलीवरी करवाने गई थी। डिलीवरी के बाद रंगपंचमी के दिन धनुबाई अपने छोटे बेटे जितेंद्र के साथ बाइक से बहू और नाती से मिलने इंदौर से वाया खरगोन होते हुए बैनर जा रही थी कि अचानक ग्राम जामली के कुछ लोगों ने बिस्थान तक पीछा किया तथा लड़के से विवाद करने लगे और कहा कि ये महिला हमारे गांव की है और लगभग 20 वर्षों से यहीं रहती है, तू इसे कहां लेकर जा रहा है। लड़के ने बताया कि मेरी माँ है, किंतु लड़के की किसी बात का विश्वास उन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हकीकत में धनुबाई 21 वर्षों से इसी गांव में गुजर बसर कर रही थी और धनुबाई को लड़के से छुड़ाकर अपने साथ ग्रामीण ले गए। लड़के ने ग्राम नानकोड़ी में परिजनों को सारी घटना बताई, जिसके बाद गांव के उपसरपंच जाकिर खान और चौकीदार राजू डांगोड़े के साथ धनुबाई के दोनों देवर लखन और गुलाब सिंह सारे मिलकर बिस्थान थाने पहुंचे। सारी जानकारी से थाना प्रभारी अनिल बामनिया को अवगत कराया, जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा ASI राजेश दिनकर और प्रधान आरक्षक मनीषा सोलंकी द्वारा मंगलवार 2 अप्रैल 2024 को धनुबाई को लाकर परिजनों के सुपुर्द किया, जिससे परिवार में दोबारा खुशी का माहौल हो गया तथा परिजनों ने बिस्थान थाने के स्टाफ को धन्यवाद दिया। इस संबंध में बिस्थान थाना प्रभारी अनिल बामनिया SDOP राकेश ने बताया कि धनुबाई लगभग 17 से 18 वर्षों से अपने परिजनों से बिछड़कर ग्राम जामली में रहती थी, जो खरगोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां हमारी टीम द्वारा महिला को ग्राम जामली से लाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। झिरनिया से सेठी हिरवे की रिपोर्ट।